ये जातिगत गाना इसलिए गवा रहा है कि मतलब हमारे या तो हमको अपने हारमोनियम पे भरोसा नहीं है या हमारे मेहनत किए हुए गायकी पे भरोसा नहीं है। आपके आशीर्वाद से राकेश मिश्रा ने अभी तक टच नहीं किया है इस मामले में। जातिगत गानों में ना जातिगत गाने शुरू से हुए हैं, हो सकता है उस टाइम एक लिमिट होता था, आप जो बोल रहे हैं सही है, आज लिमिट क्रॉस हो गया। आज स्पेशली इसलिए गाए जा रहे हैं कि हम गाएंगे तो शाम को ये बाबू साहब है तो ये 2 घंटा में सुन लेंगे तो हम 2 मिलियन वाले स्टार। ये जातिगत गाना इसलिए गवा रहा है कि मतलब हमारे या तो हमको अपने हारमोनियम पे भरोसा नहीं है या हमारे मेहनत किए हुए गायकी पे भरोसा नहीं है। आपके आशीर्वाद से राकेश मिश्रा ने अभी तक टच नहीं किया है इस मामले में, और न ही आगे करूंगा क्योंकि आपके आशीर्वाद से और सबके आशीर्वाद से बहरिया भितरिया सही गर्दा के लिए गाजर हमारे किंगडम पे। क्या लगता है आप इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं जातिगत विशेष समूह को लेकर गाना गाने से और जातिगत विशेष समूह वाले लोग थोड़ा डिमोरलाइज अपने आप को महसूस करते हैं? मैं सिर्फ एक बात को मानता हूँ, इस दुनिया में आपको ही पता है 3 चीजें ऐसी हैं, पहला ग्रंथ, दूसरा संगीत और तीसरा प्यार। इन तीनों का कभी भी कोई सीमा नहीं रखा गया है। गॉड का कभी सीमा नहीं है भैया, संगीत का कभी सीमा नहीं है। संगीत ही एक ऐसी चीज थी कि जिसके साथ हम जीवन भर लड़े हैं, वहां से भी सिंगर आके गाते थे, आपको पता है ना, मैं सही बोल रहा हूँ। तो संगीत का कभी कोई बंधन नहीं था, सीमा नहीं था। लेकिन अगर गाने बजाने को भी, जिस संगीत को आप पवित्र कह रहे हैं, अगर उसको भी आप जातिगत लेवल पे यूज कर रहे हैं, आप अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, तो नॉट गुड। आने वाले भविष्य नॉट गुड, क्योंकि अभी आपको मजा आ रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ अभी आपको मजा आ रहा है, लेकिन सर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर 2-2.5 साल बाद जो ये हो गया कि ये हमारे हैं, ये हमारे हमारे, तो जिस संगीत को आप कर्ण पिए के लिए सुनते हैं, आप अपने एंजॉय के लिए सुनते हैं, आप अपने भसान में डीजे बजाते हैं, वो संगीत तो कल आपके लिए दिक्कत हो गया है, क्योंकि उनका उनका गाना आ रहा है तो ये नीचे गाली लिख रहे हैं। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, और उनका गाना आ रहा है तो ये नीचे गाली लिख रहे हैं। तो आजकल तो ये हो गया कि गाना रिलीज हो, नीचे यूट्यूब पे गाली पढ़िए।